الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ناظرين خير مقدم يا أبكا عيد الأضحى أعمد آمد آمد ہے مسائل پوچھنے रुझान चल पड़ा है और लोग मुख्तलिफ कस्म की तैयारियों में लगे हुए हैं एक मसला कुर्बानी के त्लु से हमेशा हर साल काफ़ी चर्चा में रहता है मसला है कुर्बानी का हुक्म क्या है और किस पर है तो अक्सर लोग तो इस तरह से कहते सुने गए हैं लोग इश्तारों में भी लिखते हैं कुर्बानी साहेब निसाब पर है साहेब निसाब का क्या मतलब है साहेब निसाब का मतलब है कि जिस आदमी के पास इतना सोना चांदी हो कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए बावन तोले चांदी, साढ़े सात तोले सोना अगर इतनी मालियत आदमी रखता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है अगर किसी के पास इतनी मालियत नहीं है तो कैसे फिर उस पर कुर्बानी नहीं है लेकिन ये मसला इस तरह से है नहीं साहिब निसाब का कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हम अगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि आपने किसी साल जकवात निकाली क्योंकि आपकी आदत मुबारक थी कि जब आपके पास माल आता था बड़ा बड़ा माल आता था तो आप मुस्तकिन में उसको फौरन तकसीम कर दिया करते थे माल को जमा करने की आदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी और जब माल जमा नहीं होता था तो साहिब निसाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसीलिए किसी सीरत निगार ने यह नहीं लिखा कि रसूल अलैहि वसल्लम ने कभी जक़ात अदा फरमाई क्योंकि जक़ात तो तब है ना कि आप साहिब नसाब हो और माल आपके पास साल भर जमा रहे साल गुजर जाए उस माल पर और यहां आदत मुबारक ये थी कि माल इधर आया और उधर तकसीम हुआ माई आयशा सिद्दीक और रज अन्हा बयान करती हैं कि एक रात नबी मोहतरम अलैहि वसल्लम बिस्तर में है लेकिन बार बार करवटें बदल रहे हैं कभी इधर कभी उधर जिससे लगता है कि नींद नहीं आ रही है आपको जाहिर है कि रसूल अक्रम वसल्लम से बेतहा मोहब्बत करती थी पूछा मेरे आका क्या बात है आपको नींद नहीं आ रही सो नहीं रहे बार बार करवटें बदल रहे हैं फरमाया आयशा नींद नहीं आ रही है बेचैनी है आपको किस बात की बेचैनी है? क्या हुआ क्या बात है मुझे बताएं क्या बात तो कुछ खास नहीं है कल माल आया था और वो अभी तक रखा हुआ है तकसीम नहीं हुआ बाज रवायतों में तो ऐसा भी है कि आपने फरमाया कि इसी हाल में अगर मुझे अल्लाह के यहां जाना पड़ जाए और अल्लाह बुल्जत पूछे कि तुम्हारे घर में इतना माल था तो मैं क्या जवाब दूंगा अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल तो इसमें बेचैनी की क्या बात है तकसीम फरमा दीजिए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल तकसीम कर दिया तब आपको चैन पड़ा तो जिस रसूल की आलमीन की ये हालत हो उम्मत के गरीबों मस्किनों यतीमों बेवाओं ज़रूरतमंदों का इतना ख्याल हो कि उनके ख्याल में रात की नींद उड़ जाए आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी जरामी कभी साहिब निसाब हो सकती है और उस पर कभी जक़ात फर्ज हो सकती है नहीं लेकिन सीरत निगारों ने कहीं ये भी नहीं लिखा कि रसूल अक्रम ने फला साल, फला साल में ईद कुर्बान आई थी और आपने कुर्बानी नहीं फरमाई कुर्बानी आप हर साल करते थे कुर्बानी हर साल करना साहेब निसाब ना होना और उम्मत को इसकी वसीयत करना ये क्या बतलाता है कि ये जो शर्त बतलाई जाती है कि साहेब निसाब होना शर्त है ये बात दुरुस्त नहीं है गलत है इसके लिए साहेब माल नहीं साहेब ईमान जज्बे ईमान जज्बे कुर्बानी अल्लाह रबुल्जत की मोहब्बत ईमान का जिंदा होना यह जरूरी है जिसका ईमान जिंदा है अल्लाह के लिए कुर्बानी, अपनी अपने बच्चों की अपने माल की पेश करने की जिसके अंदर तड़प है वही आदमी कुर्बानी कर सकता है तो इसके लिए माल के निसाब की नहीं ईमान के निसाब की जज्बे के निसाब की जरूरत है अल्लाह रब्जत हमें और आपको निकमल करने की तोफीकता फरमाए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته